दोस्तों ये देखो कुर्सी पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा है क्योंकि इसके नीचे से उड़ नहीं पा रहा है पतंग, इतना ऊपर चढ़ के उड़ाना पड़ रहा है पतंग। और देखिए ये मेरा भाई, ये हमारे छोटे साली जी, और ये कोई कोई है समझ जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों आप सबको पता है मकर संक्रांति पे अहमदाबाद में बहुत सारी पतंग उड़ती है, तो सबसे पहले मेरा भाई और मम्मी छत के ऊपर आ गए 9 बजे और पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और पहले ही पतंग मेरी भाई की कट चुकी है तो वापस वो खिड़की को लपेट रहा है, और अभी ये दूसरी पतंग उड़ाएंगे। और ये मम्मी मेरी मोटू पतलू वाली एक पतंग है जो कि दे रही है भाई को कि ये उड़ा, और हाथ से इशारा कर रही है उधर देख कितनी सारी पतंग उड़ रही है, अभी तू भी उड़ा, और वो बता रही थी। और भाई ने भी पतंग की तैयारी कर दी है दूसरी पतंग, और एक हाथ में मम्मी के पतंग है, बोल रही ये भी उड़ाना बाद में फट गई चिपका के, पर भाई बोल रहा है नहीं ये नहीं उड़ेंगी, तो मम्मी हाथ में लेके खड़ी है। और आप देख सकते हैं अभी दूसरी पतंग हमारी मोटू पतलू वाली उड़ाने वाला है भाई, तो अभी आप देखिए वीडियो को पूरा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हम इसी तरह व्लॉग्स बनाते रहते हैं, तो धन्यवाद। पतंग उड़ाते हुए हम आप देख सकते हो हमें पतंग उड़ गई, पर ये मोटू पतलू की पतंग बहुत ही ऐसी ढीली है, वो सही से उड़ नहीं पा रही है, बहुत ही नाटक कर रही है। दोस्तों देख सकते हो हमारे जिया जी इतनी सारी पतंग लेके आ गए हमारे लिए, अभी हम उड़ाएंगे, वो नीचे पड़ी है देख लिए, ये इतने सारे पतंग। ये हमारे अशोक जी, ये भी उत्तरायण का लाभ लेते हुए देख सकते हैं ये पतंग, और ये मेरा भांजा नटखट बड़ा बदमाश, ये इसकी मस्ती मस्त है, और ये जिया जी फिड़की पकड़ के रही है, हमारे जिया जी है छोटे वाले, और ये साइड से इससे उड़ नहीं रही है पतंग, बहाना कर रहा है साइड में रहो ऐसा करके, और ये हमारे अशोक जी मोबाइल को मदरते हुए। तो अभी मैंने फिड़की पकड़ रखा है और अशोक जी पतंग उड़ा रहे हैं, पर ये पतंग इन्होंने नहीं उड़ाया, ये पतंग मैंने उड़ा के दिया है, इनको आता नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये सीख जाएंगे। देखो दोस्तों अब हमारा भांजा पतंग उड़ाने लगा है, हम सबसे अच्छा तो ये उड़ा रहा है पतंग, अब देख सकते हो इसका हाथ कट चुका है, अभी दूसरी बार पापस उड़ाएंगा, ये इसका हाथ कटा भी है, देखो पापस दूसरी पतंग उड़ाने लग गया है, काफी अच्छे से उड़ा पा रहा है, ये देखो कैसे उड़ा रहा है, आप देख सकते हैं ये देखो पतंग कैसे उड़ा रहा है, ये वाह बोल लो, अब इसकी पतंग कट गई, इसकी पतंग कट गई। अरे देख, दोस्तों भांजा पतंग चकाते हुए अडिन बो जाला पतंग ला रहे, बाप बेटे दोनों पतंग उड़ाते हुए, भाई जी ने पकड़ रखी है फिड़की और बेटा उड़ा रहा है पतंग, देख सकते हो ये। तो ये हमारे साली जी है जो पतंग उड़ाते हुए, देखिए अंडा धुन चला रहे हैं, इनको पता नहीं पतंग ही का है, इनको पतंग दिख नहीं रही है, खाली डोरी पकड़ रखी है, देखो देखो जा और पतंग जा, हाँ ये डोरी मोन वाली, अब हमारे साली जी पतंग उड़ा दोगे, अरे अरे कहीं है नहीं है, ये देखो साइड रहा मतलब, ये
दोस्तों सबने तो पतंग उड़ा दी, खाली मैं ही बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उड़ा दूं। कब से वीडियो सबका बना ही रहा हूं, तो फिर भाई को दिया मोबाइल, मैंने बोला तू थोड़ा सा वीडियो बना मेरा, मैं पतंग उड़ाता हूं। दोस्तों मैंने उड़ाया फिर पतंग, कोई फिड़की पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मैंने बोला फिर मैंने वाइफ को बोला मैंने तू पकड़, मैं उड़ाता हूँ। देखो उड़ा रहा हूँ, पर भाई ये कि बोल रहा है मैं उड़ाऊंगा मैं उड़ाऊंगा, थोड़ी देर तो उड़ाने दे यार। तो अब देख सकते हो ये उड़ा रहा हूँ मैं पतंग, उड़ाते उड़ा थोड़ी देर के बाद तो मेरा हाथ ही कट गया था, क्योंकि मैंने हाथ को कुछ पट्टी वट्टी लगाया नहीं था, ऐसे ही उड़ा रहा था तो हाथ कट गया मेरा। और एंड में दो तीन पतंग मैंने काटा, फिर मेरा पतंग कट गया। और आप देख सकते हो मेरी वाइफ उड़ा रही है, इसको कुछ उड़ाना तो आता नहीं है, और हाथ के पट्टी पट्टी ऐसे लगा रखी जैसे कि ये सबसे ज्यादा उड़ाई पता है, पर इसने कुछ नहीं उड़ाया, इसको कुछ नहीं। अभी ये अशोक जी है, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं उड़ाना आ रहा है सही से। पर मज़ा बहुत आया इस उत्तरायण को, क्योंकि सब जन हमने मिलके एंजॉय किया, पतंग उड़ाया और मस्ती मजाक बहुत किया। पतंग तो कम उड़ाया पर मस्ती मजाक सबसे ज्यादा किया, क्योंकि सब इंजॉय कर रहे थे। तो आप देख ही रहे हो किस तरह से हम मस्ती मजा एंजॉय कर रहे हैं। अरे चंकू पंकज कटेगी। दोस्तों पतंग जगाते जगाते शाम की 5-6 बज चुकी है, अब भूख लग रही है, थोड़ा जलेबी और नाश्ता कर लेते हैं। अब देख सकते हो पतंग कितनी आसमान में उड़ रही है, चारों बाजू डीजे के धमाके साउंड बज रहे हैं, इसलिए मेरी आवाज आपको सही से सुनाई देंगी। और ये दोनों पतंग उड़ा उड़ा के थक चुके हैं, तो अभी ये बैठे हैं थोड़ी देर। ये देखो रांझा जलेबी खाने वाला है, ये देखिए सब थक के बैठ गए। ये देखो ये भूखा मैं ऊंधिया था, वो हमने खा चुके हैं ऊंधिया का, और आप जलेबी खा रहे हैं। ये देखो कैसा टेस्ट में जलेबी जिया जी, एक नंबर। ये देखो इसकी शक्ल देखो, एक गरम खाने की शक्ल है, गरम खाने जैसी है, गरम खाएंगे। आसमान पूरा केसरिया जैसा हो गया है, सूरज भगवान अस्त होने को है और लगभग अस्त हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो अभी शाम हो चुकी है और आप देख सकते हो अहमदाबाद में पटाखों की धूम मचा चुकी है नाइट में। ये देखिए पटाखे कितने फूट रहे हैं, चारों बाजू आसमान रोशन हो चुका है। ये पतंग अभी भी चक रही है बहुत सारी आसमान में, पर अब पटाखे की बारी है। और पटाखे देखो चारों बाजू, आप जहाँ देखोगे ना सब जगह आपको पटाखे फूटते हुए दिखे देंगे। देख सकते हैं आप जहाँ देखोगे आपको सब जगह पटाखे दिखेंगे, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हो दोस्तों चारों बाजू आपको पटाखे फूटते हुए देखेंगे चारों बाजू। दोस्तों इधर का माहौल देखो एकदम